वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में पूरे 7 मार्क के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जो आपके आने वाला टर्म 2 का एग्ज़ाम है, इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूरे 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से आज हम लोग समझेंगे, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व कर पाएँ और फुल मार्क स्कोर करें। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो टी रेशियोज़ हैं, जो 6 टी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में टर्म 1 एग्जाम में पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, जिसमें बताया गया कि जो साइन थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, एंड जो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, उसको लिखा जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, इसको लिखा जाता है हाइपोटेनस बाई बेस, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, जिसको हम लिखते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले तो आप ये रिवाइज कर लें कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, और सेक हाइपोटेनस बाय बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट होता है परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, इन्हीं को यूज करके हमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है, इसमें ये क्या होता है थीटा, और थीटा के सामने क्या होता है तो परपेंडिकुलर, देन ये बेस होता है, एंड 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। ये तो कुछ हम लोग अभी टर्म 1 एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं कि थीटा के सामने वाला एंगल क्या है परपेंडिकुलर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं बेस, एंड 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बस ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, एंड कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो इनका कोई बहुत यूज़ नहीं है, ज़्यादातर यूज नहीं किया है साइन कॉस और टेन का। देन हमें याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जो उनकी वैल्यू होती है, जैसे कि हमें याद रखना है कि साइन जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू याद रखनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, एंड 90 डिग्री के लिए। यानी ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि साइन जीरो क्या होता है, तो साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 तो 1/2, साइन जीरो जीरो साइन 30 1/2, साइन 45 क्या होता है तो 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, एंड साइन 90 होता है 1। तो जो ये तीन एंगल्स हैं 30, 45 और 60, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, देन कॉस थीटा कॉस जीरो क्या होता है तो कॉस जीरो 1, कॉस 30 क्या होता है तो √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 1/2, एंड कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, देन टेन जीरो क्या होता है तो टेन जीरो आपका जीरो, टेन 30 क्या होता है तो 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड। तो इसको भी हमें याद रखना साथ ही साथ, क्योंकि इनको यूज करते हुए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आइए आगे समझते हैं कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, देन हम शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, कि आखिर हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है और इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब यह है कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें यही पढ़ना है कि हमारे डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म समझना होगा, जैसे कि अगर हम सामने कहीं नीचे खड़े हुए हैं, कहीं नीचे हैं खड़े, और हम लोग ऊपर किसी चीज़ को देख रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पे आपके यहाँ कोई फ्रेंड खड़ा है, बैठा हुआ है, फिर कहीं खड़ा है, और आप नीचे से उसको देख रहे हैं, नीचे से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये हमारी आई है, तो यहाँ से सीधा अगर हम लाइन ड्रा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और
नीचे जब हम इसको ऊपर देख रहे हैं, नीचे से हम इसको कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल बनाएगा। तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं थीटा, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है कि जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाए तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये आई साइट है, ठीक है, और नीचे से हम किसी चीज़ को अगर ऊपर देख रहे हैं तो इस चीज़ को बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कैसे इसको याद रख सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ, अगर कोई चीज़ हम देखते हैं किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कहने का मतलब कि जिसको देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना पड़े, तो उसको क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। देन इसमें एक टर्म आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मानिए यहाँ है, हम लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ इस पर बैठे हुए हैं छत पे अपने, और कोई एक सामान है जिसको हम जो नीचे की तरफ है और उसको हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे आई साइट होगा ऐसे सीधा, और यहाँ एक एंगल बनेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? हमारा एंगल बन रहा है। तो इस चीज़ को बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देखें, नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो उसको बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि ऊपर से नीचे, ऊपर से अगर नीचे देखेंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कहने का मतलब कि अगर हम कहीं हैं और किस चीज़ को देखने के लिए हमें अपने गर्दन को झुकाना पड़ जाए तो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो चीज़ें हमें समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि इन्हीं को यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे रियल लाइफ में यूज़ क्या है कि हम किसी, अगर हमको माने हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे रियल लाइफ में यूज़ क्या है कि माने हमें किसी हाई राइज बिल्डिंग, किसी बहुत ऊंचे पर्वत का, किसी बहुत ऊंचे बिल्डिंग का हाइट पता करना है, तो उसको नॉर्मली मेजर करना काफ़ी दिक्कत होता है, उसमें काफ़ी मतलब की समस्या है, उसको हम नॉर्मल तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को, यानी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम लोग इन सभी बिल्डिंग्स का हाइट मेजर करते हैं। तो इसी चीज़ को बोला गया, इस जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, या फिर किसी हम किसी बिल्डिंग का हाइट वेट कैसे पता करेंगे, ठीक है, किसी रिवर की चौड़ाई कैसे पता करेंगे, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को किसमें पढ़ाया जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस में। तो ये चीज़ आपको मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। बस हमें याद क्या रखना है कि अगर नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल लाइंस ये वाला एंगल कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ बन जाएगा सेम, थीटा यहाँ बन जाएगा, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर बन रहा होता है, लेकिन बाय द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल लाइंस, जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं इसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो एंगल यहाँ थीटा बन रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पहले जो टर्म वन एग्जाम में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है उसका यूज़ करना होगा, तो पहले उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे कि आखिर हम कैसे टर्म वन एग्जाम में जो हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं और कुछ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा यानी कुछ पर्टिकुलर एंगल के लिए जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पढ़े हैं उनको पहले एक बार रिपीट कर लेंगे, और देन अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि जो भी पोल हैं, क्वेश्चन में आता है पोल टावर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, पोल है, टावर है, बिल्डिंग है, और क्या है, पोल टावर बिल्डिंग, जो भी चीज़ें जो खड़ी रहती हैं, ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हरदम वर्टिकल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि पोल टावर बिल्डिंग हरदम क्या होंगे? वर्टिकल लाइन पे होंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि ऐसे सीधा, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? ये, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आप जान लें कि सीधा ही है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ऐसे वर्टिकल होता है। तो पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो याद रखना है कि पोल टावर बिल्डिंग हरदम किससे रिप्रेजेंट होते हैं? तो वर्टिकल लाइन से।
और दूसरा चीज़ हमें याद रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ड्रा करना होगा फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया गया है उसको यूज़ करके पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे, और देन फिगर ड्रा करने के बाद जो फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, जब हम फिगर ड्रा कर लेंगे तो जो आई साइट आपको बनाना है, जो ऑब्जर्वर का बनाना है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है हरदम, उसको एक पॉइंट से डिनोट कर लेना है, उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, और देन फिगर बनाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ बताया गया था कि जो ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इन तीनों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन में किसका यूज होगा, टेन थीटा का। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।